की शुरुआत में हम थाईलैंड देश की पीएम को देखते हैं, जो अपनी मीटिंग रूम में यह बता रहा होता है कि आज से 7 साल पहले लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने बर्ड फ्लू की वजह से अपनी जानें गंवाई, जिसका दूर दूर तक असर फैला था। लेकिन मनुष्य की टेक्नोलॉजी से वह वायरस अपना रूप बदल चुका है, पर बदकिस्मती से हमारी दुनिया को एक ऐसी कुदरती तबाही का सामना करना होगा जिसे हमने अपने पर्यावरण के साथ लापरवाही बरत कर खुद बुलाई है। हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा सुखी बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिससे हमारी दुनिया का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जो ओजोन परत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे आंधी, बर्फीले तूफान और ज्वालामुखी का फटना शुरू हो जाता है। पीएम यह बता ही रहा होता है कि अचानक वहां पर एक बड़ा सा भूकंप का झटका आता है, जिसके कारण वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह भूकंप बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर हम एक बोट को समुन्द्र पर देखते हैं, जो एक बड़े सी जहाज की तरफ जा रहा होता है, जिस पर डॉक्टर चौधरी नाम का एक आदमी बैठा होता है। वह जहाज के लोगों से अपना परिचय कराता है और फिर वो अब सब लोग बैठकर एक ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने सोचा था कि यह ज्वालामुखी निष्क्रिय है और इसके फूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर अब इसके फूटने की 51% चांस लग रहे हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि अब हमें इस पर नजर रखनी होगी, यह कब फटेगा कुछ कह नहीं सकते, जिस पर डॉक्टर चौधरी कहते हैं कि अब मुझे खुद जाकर उसे देखना होगा। इसके बाद हम जंगल में एक लड़के को देखते हैं जिसके साथ एक बंदर भी होता है। वह जंगल में घूम ही रहा होता है कि अचानक उसे एक जगह देखकर कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं, जिसमें उसका पूरा परिवार एक भयंकर सुनामी में फंसा होता है और उसका बेटा उससे बार बार मदद मांग रहा होता है, और वो यह याद करते करते वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद वहाँ पर 2 लड़कियां आती जो उसकी दोस्त होती है। दरअसल उस लड़के का नाम हु होता है, और वो लड़कियां हु से कहती है कि तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, जिस पर हु कहता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर हु उन्हें एक जगह पर ले जाता है और वो उनसे बताता है कि पहली सुनामी करीबन 1800 साल पहले आई थी, जब समुन्द्र के भीतर भूकंप आया था, और दूसरी सुनामी 900 साल पहले आई थी। इस पर वो लड़की कहती है कि इसका मतलब सुनामी हर 900 साल में एक बार आती है। फिर वो कहता है कि यहाँ के पानी का स्तर काफी नीचे है, इसलिए कुछ दिनों पहले मैंने इसकी जांच करने की कोशिश की, जिसमें ये ज्वालामुखी काफी धसे हुए दिखाई दिए। तभी लड़की कहती है कि ग्रैंडपा बता रहे थे कि पृथ्वी काफी तनाव छोड़ती है और गर्मी की तीखे लपटी भी छोड़ रही है, जिससे जल्दी ही पृथ्वी की परतें हिलने लगेंगी। फिर वो कहता है कि मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ कि जानवर जंगल छोड़कर जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब बात है, हमें इसकी जानकारी तुरंत डॉक्टर श्याम को देना होगा। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर श्याम की टीम को सुनामी आने का कुछ सिग्नल मिलता है और वह यह बात तुरंत डॉक्टर श्याम को बताते हैं, जिसमें डॉक्टर श्याम कहता है कि हमारे पास लोगों को बचाने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा है। और डॉक्टर श्याम तुरंत पीएम को कॉल करता है और उसे सुनामी आने की पूरी जानकारी देता है और कहता है कि हमें तुरंत समुन्द्र के आसपास की जगह खाली कराना होगा, जिस पर पीएम कहता है कि अगर आपको इतना ही यकीन है तो मैं डिजर्ट रिलीज सेंटर अलर्ट कर दूंगा। फिर एक लड़की वहां से बाहर निकलती है और हु को बताती है कि सुनामी आने में सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं और हमें लोगों को बचाना होगा। फिर थोड़ी ही देर बाद एक सुनामी आती है, लेकिन वही सुनामी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसके आने के पहले डॉक्टर श्याम ने पीएम को खबर कर दी थी, जिससे वहां के आसपास की जगह खाली करा ली गई थी, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं कि पीएम के ऑफिस पर एक आदमी आता है जो विपक्ष पार्टी का नेता होता है। वो पीएम को जोर से चिल्लाती हुए कहता है कि तुमने एक छोटी सी सुनामी के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया, जिसमें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है और लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है, और तुमने ये सब एक बार नहीं बल्कि 3री बार किया है। तो पीएम कहता है कि मैं अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए ये 3 बार नहीं बल्कि 10 बार भी कर सकता हूँ। फिर हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसे समुन्द्र में एक भी मछली नहीं मिल रही होती, जिससे वो समुन्द्र के अंदर कूद कर देखता है तो उसे पानी के अंदर एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है, जिससे लगातार भारी मात्रा में पानी निकल रहा होता है, और वो ये देखकर तुरंत पानी के बाहर आता है और अपने साथी से कहता है कि हमें यहाँ से जल निकलना होगा, और वो मछुआरा यह बात जाकर डॉक्टर श्याम की टीम को बताता है, जिस पर डॉक्टर श्याम का आदमी कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है, तुम बता सकते हो कि वह दरार कहाँ पर है। तो वह मछुआरा कहता है कि मैं काफी टाइम से इस जगह पर रह रहा हूँ, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, और सारी मछलियाँ भी वहाँ से कहीं चली गई हैं। फिर वो मछुआरा उन लोगों को उस जगह पर ले जाता है, वो लोग उस जगह को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक और ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, और इसकी जानकारी डॉक्टर श्याम पीएम को देता है और उन्हें बताता है कि इसके अलावा और कई ज्वालामुखी हैं जो 140 साल से निष्क्रिय हैं, पर वो अब कभी भी एक साथ फट सकते हैं और इसकी संभावना 70% है। तो पीएम कहता है कि इसका असर हमारे देश पर क्या होगा, तो वो लोग बताते हैं कि इससे एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी और वो थाईलैंड की खाड़ी की तरफ बढ़ेगी और हमारी खाड़ी में पानी काफी उथला है, जब सुनामी यहाँ पहुंचेगी तो उसका आकार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो 30 मीटर ऊंची हो जाएगी। तो पीएम कहता है कि हमें सुनामी से बचने के लिए क्या करना होगा, जिस पर डॉक्टर श्याम
रहता है कि खाड़ी के लोगों को, खासकर बैंकॉक में रहने वाले लोगों को जल्द ही हटाना होगा और जितना जल्दी हो सके उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना होगा। तो पीएम कहता है कि एक दिन में 1,50,00,000 लोगों को कैसे हटाया जा सकता है। तो डॉक्टर श्याम कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और अब इसके बाद यह बात पूरे देश में फैल जाती है जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। फिर वो विपक्ष पार्टी का नेता पीएम को जोर जोर से चिल्लाती हुए कहता है कि तुमने लोगों के दिमाग में क्या भर दिया है कि दुनिया डूब जाएगी, उसका विनाश होने वाला है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। और यह भी कहता है कि जिस दिन तुम्हारी हाथ से यह पीएम की कुर्सी जाएगी उस दिन मैं तुम्हारी जगह बैठा मिलूंगा। जिस पर पीएम कहता है कि अगर आपको पीएम की कुर्सी प्यारी है तो आप ही रख लो, मेरी सत्ता मेरी कुर्सी से ज्यादा अहम है, लोगों की जान बचाना, उनकी हिफाजत करना। तभी हम देखते हैं कि कुछ स्कूली बच्चे समुन्द्र के किनारे खेल रहे होते हैं। तभी उन बच्चों के टीचर को एक कॉल आता है जो बच्चों को वहाँ से जल निकालने के लिए कहते हैं, जिससे टीचर बच्चों से कहती है कि यहाँ से जल निकलो, यहाँ पर सुनामी आने का बहुत ज्यादा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ हम विपक्षी पार्टी के नेता को देखते हैं जो पीएम की कुर्सी छीनने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप का झटका आता है जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वह भूकंप थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है जिससे वो विपक्षी नेता कहता है कि तुम लोग डरो ना, ये एक छोटा सा भूकंप था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद शहर में बहुत ही बड़ी सुनामी आ चुकी होती है जिससे लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं डॉक्टर श्याम की बोट पर भी अब धीरे धीरे पानी घुसने लगता है और वो भी सुनामी का शिकार हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुनामी पूरे शहर में फैल चुकी होती है जिससे शहर में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची थी। अब पीएम हेलीकॉप्टर से सुनामी में फंसे लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुनामी इतनी भयंकर आई थी कि उसे रोक पाना नामुमकिन था। लेकिन पीएम फिर भी जितने लोगों को हो सकता था उतनी लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है। तभी पीएम की नजर एक बस पर पड़ती है जिसमें कुछ बच्चे फंसे हुए होते हैं, जिससे पीएम उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे आता है जिसमें वो सभी लोगों को तो बचा लेता है, लेकिन पीएम खुद बस में फंस जाता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लहर आती है जो पीएम को अपने साथ बहा कर ले जाती है, जिससे पीएम की टीम उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन पीएम का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीएम एक मूर्ति पर लेटा होता है जो बहुत ही ऊंची होती है, और जब पीएम को होश आता है तो वो हैरान हो जाता है कि मैं आखिर बच कैसे गया। फिर पीएम उस मूर्ति को प्रणाम करता है और तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ चुकी होती है जो पीएम को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद पीएम अपने पूरे परिवार से मिलता है और इसके बाद मूवी का यहीं से द एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी।